देखो तुमने ये बहुत मूवीज में देखा होगा घर। यार मेरे नीचे सिम्बा मूवी की शूटिंग यहाँ पे हुई है। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज हमारा सेकंड डे है गोवा में। आज हम लोग जाने वाले हैं बहुत सारी प्लेसेस पे। मैं दिखाता हूँ कहाँ कहाँ जा रहे हैं हम। कैसे दिखाऊंगा ये देखो, हमारे होटल में सब व्यवस्था है। कलंगुट बीच या मीरामार बीच, ये पता नहीं कौन सा बीच है, इस वाले बीच पे जाएंगे फिलहाल। ये वाला चर्च है, ये भी बीच है, मैं नाम अभी बोल रहा हूँ फिलहाल, मैं बताऊँगा आपको बाद में। यहाँ फोर्ट पे भी जाएंगे और वाटरफॉल भी है। यहाँ नहीं जा रहे हम लोग, ये है जहाँ पे चेन्नई एक्सप्रेस की शूटिंग हुई है, इसको बोलते हैं दूध सागर। हाँ, ये थोड़ा दूर है और इस टाइम पे जाने का बेनिफिट भी नहीं है, क्योंकि बारिश में जब जिस टाइम पे सीजन होता है ना, जिस टाइम बारिश होती है उस टाइम पे यहाँ पे पानी होता है, बट इस टाइम पे तो कुछ नहीं हुआ। फिलहाल हम लोग यहाँ तो नहीं जा रहे। हम लोगों ने कैब की है, सुबह की थी हम लोगों ने, और 3000 रुपये की कैब हुई है हमारी। 3000 में हमको वो ये सारे प्लेसेस भी दिखाएंगे और प्लस रात में हमको वो 7 बजे छोड़ देंगे बाघा बीच। बाघा बीच हम कल भी गए थे और हम आज भी जाने वाले हैं, क्योंकि वहाँ क्लब है और हम डांसर हैं, हमको डांस करना है। ब्लॉग को ज़रूर देखना क्योंकि यार बहुत मज़ा आने वाला है। ये सारी जगह है ना कसम से जन्नत है और हम सब दिखाएंगे आपको। तो ब्लॉग पूरा देखना, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। बस भाई आ जाओ। ऑल सेट ऑल सेट ऑल सेट। और मैं ना इतना चुपके से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ना यहाँ गोवा में एक सीन है। गोवा में क्या मतलब, ऐसा तो हर जगह ही होता है, अगर तुम कैब बुलाओगे और कैब तुमने होटल की जगह कहीं बाहर से मंगाई है और कैब वाला आ रहा है होटल में, तो वो इनको पैसे देगा, समझ रहे हो। इस वजह से हमने कैब बुलाई लेकिन उसको बोल दिया भैया नीचे खड़े हो जाना और हम जा रहे हैं नीचे। आर यू रेडी ब्रो? गाड़ी आ गई है, चुपके से ठसे ठसे में हमने गाड़ी बुला ली, हमारी आ चुकी है। वी आर ऑल सेट टू गो, बैठ जाओ। ये देखो ये आम चुरा के लाई है, आम चोर। आम आदमी पार्टी है। आम गाइस ये है गोवा की फिल्म सिटी, छोटी सी है। शो करने हैं बंदा बहुत लगा है, ओगा बोगा कार्तिक आर्यन था, देखो फेमस सेलिब्रिटी बैठे मेरे पीछे। इसी बात में सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों हम पहुंच गए अब डोनापाल बीच, मतलब पहुंचने वाले हैं, सॉरी। सस्ता व्लॉगर पहुंच गए। गाइस ये है डोनापाल बीच और ये बीच पता नहीं कैसा, यहाँ रहती नहीं है, मस्त है ना। शॉपिंग्स के लिए भी यहाँ पे ऑप्शंस हैं, आप लोग आके शॉपिंग कर सकते हो। वो जो प्राणी है ना वो शॉपिंग करनी शुरू कर देंगे अब, उन्हें मतलब नहीं दुनियादारी से। आप लोगों ने देखी होगी सिम्बा मूवी की शूटिंग यहाँ पे हुई है डोनापाल बीच में। मतलब ऐसे तो बहुत सारी मूवी की शूटिंग यहाँ पे हुई है। वो है यार, शूटिंग तो चलती रहती है। देखो गाइस मैं प्री वेडिंग शूट कर रहा हूँ, प्लीज कॉन्टेक्ट मी फॉर प्री वेडिंग शूट। फेमस हो जाऊंगा, पैसा जा रहा है मेरे पास ढेर सारा प्री वेडिंग। वाओ यार व्यू मैन, टांडी टांडी हवा। देखो तुमने ये बहुत मूवीज में देखा होगा घर, पर मुझे याद नहीं आ रहा किस मूवी में दिखा हुआ। चलना अभी पाद मार के चले गए हमारे सामने। ये बीच है लेकिन यहाँ पे कहीं रेत ही नहीं है, देख लो मजाक है, हंसी मजाक वाला बीच। ये चेक करो 1 2 3। रील शूट करी हमने एक इंस्टाग्राम पे, देखना तो मैं डालूंगा और भाई की आईडी मेंशन कर दूंगा। फिलहाल हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, बहुत गंदी गर्मी हो रही है यार, बुरा हाल, बट व्यू इज ऑसम, बहुत हार्ड। अभी जाएंगे हम लोग और बहुत सारी लोकेशन पे, तो ब्लॉग देखते रहना, मजा आने वाला तुम ब्लॉग में। पसीना देख रहे हो, बॉडी हो गई डिहाइड्रेट हमारी, तो हम पी रहे हैं ये लेमन सोडा 30 रुपीज़। गाड़ी हमारी आ चुकी है, अभी हम निकल रहे हैं हमारी सेकेंड लोकेशन पे, तो चलते हैं। अभी हम पहुँचे हैं मीनामार बीच में, मीरामार बीच फाइनली वी आर एट द बीच गाइस। और देखो यहाँ का पानी कितना साफ है, मुंबई में बरसोवा में कितना गंदा पानी होता है। I am all set to swim. मैं जा रहा हूँ नहाने।
मार दू डुबकी जय गंगा भैया। एक बार फिर से इनके मारो ना पानी ऐसे करके इनके। ये मेरे दिल को तू जहां से जुदा कर दे यूं बस तू। नहाते टाइम भी लोगों को लाइनर की पड़ी है देख रहे हो। तो हम लोग पहले उस वाले से जीत तो भगा दिया हमें वहां से, बोल रहा है इधर नहा सकते हो तो हम लोग यहाँ आ गए। फायर मेरे नीचे वापस से चेंज वेंज करके हम लोग आ चुके हैं अपनी गाड़ी में और अभी हम लोग निकल रहे हैं दूसरी लोकेशन पे। गाइस ये है बिग डैडी बड़े पापा। ये देखो भाई साहब स्टंट कर रहे हैं। ए नंगू भैया। ये है पंजिम द कैपिटल ऑफ गोवा। खूबसूरत सा व्यू देख के हम रुके। यहाँ भी इधर समुद्र, यहाँ भी समुद्र, चारों तरफ समुद्र ही यार इधर। और ये प्यारा सा रेस्टोरेंट, तो हमने तभी खाना खा लेते क्योंकि 2 बजने वाले हैं। गाइस ये हैं यहाँ के कुछ रेट्स और खाना यार यहाँ सही में एक्सपेंसिव है। तो हमने ऑर्डर किया है 250 रुपये का है बटर चिकन, 30-35 रुपये की रोटी है बटर रोटी। तो अभी आएगा फिर खाते हैं फिर बताते हैं आपको कि टेस्ट कैसा है। गाइस ये आ चुका हमारा खाना, इन्होंने मंगाई है वेज थाली, पता नहीं कितने की, कितने की है पता नहीं है, हम रही से हम रेट नहीं पता करते। गाइस खाना वाना हो गया हमारा, अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं। खाना ठीक था, मतलब टेस्टी ही था लग बोलते। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं चर्च पे और ये है सामने गोवा का चर्च। हाँ भाई साहब बोल रहे हैं एग्जीबिशन के लिए इधर जाओ, चलो आ जाओ। और गाइस हम लोग आ चुके हैं एग्जीबिशन से बाहर, फोटोग्राफी अलाउ नहीं थी इसलिए मैंने वीडियो बनाई नहीं, बट अंदर ना सेंसर लगे हैं, जिस रूम में भी कुछ हो गया ना वहाँ लाइट जलेगी अपने आप। और ऐसा हॉरर सा माहौल है ना वहाँ, फट रही थी यार एकदम। गाइस अभी हम लोग चर्च के अंदर गए थे, यहाँ भी यार फोटोग्राफी अलाउ नहीं थी बट क्या जगह है यार सच में, मतलब दिल खुश हो गया। ये बड़ी बड़ी दीवारें हैं और अंदर इतना ठंडा हो रहा था ना, मतलब नेचुरली कोई एसी नहीं कोई फैन नहीं बट फिर भी बहुत सही। यहाँ आओगे तो रिकमेंडेड है, मस्ट रिकमेंडेड, जरूर आना मज़ा आ जाएगा। सही मज़ा आ गया कुछ तो बोले विकास भाई पहली बार बोले मेरे ब्लॉग में। कोई लड़की वड़की अगर आएगी छोटे कपड़े पहन के जा ही नहीं सकते अंदर, नॉर्मल कपड़े पहन के आना, तो कोई भी आए तो सूट सलवार में ही आना। तो फिलहाल अभी आपको एक और चर्च भी फिलहाल आपको सामने एक और चर्च है वहाँ लेके चलते हैं। अभी हम गए थे इस वाले चर्च और अभी हम जा रहे हैं यहाँ पे, तो दिखाते हैं हम यहाँ के नज़ारे आप लोग को। भाई इधर ही है वो पक्का, या या आई विल फॉलो यू ब्रो। यार चर्च घूम के हम लोग आ चुके हैं बाहर और सही ये वाला चर्च भी अच्छा है बट वो वाला खतरनाक था जो सामने दिखाया था मैंने आपको। अभी फिलहाल हम लोग जाएंगे हमारी थर्ड लोकेशन पे। बाय बाय बाय। तो भाई सीन कुछ ऐसा हुआ कि हम लोग गए थे कलंगुट बीच, बट हम लोग बीच के पास ही पहुंचे और फिर हम लोगों ने सोचा कि हम लोग एक रूम लेते हैं पहले, उसके बाद हम लोग बीच पे घूमने चलेंगे क्योंकि ऑलमोस्ट हम लोग लेट हो रहे थे। तो अभी हम लोगों ने रूम ले लिया है, जो हमने कल रूम लिया था वो थोड़ा सा दूर था पंजिम साइड था और वो बहुत दूर पड़ा था हमको, लगभग 15 किलोमीटर दूर था वो यहाँ से बागा बीच से और कलंगुट बीच से। तो अभी हम लोगों ने रूम लिया है कलंगुट बीच के पास जो कि हमको पड़ा 1500 रुपये का, राइट। तो अभी हम लोग जस्ट रूम में रेडी वेडी हुए और हम लोग अभी निकलेंगे कलंगुट बीच के लिए, तो वहाँ भी बहुत तबाही मज़ा आने वाला है, चलते हैं। मैं रेडी होता हूँ, मैं हो चुका हूँ रेडी और आज मैंने डाला है ब्लैक एंड वाइट गेटअप
अभी चलते हैं, टावर रूम से निकलते हैं, ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हम लोग। और मैंने आते ही रूम के अंदर क्या आतंक मचा। निकल चुके हैं हम लोग रूम से। ये है हम लोग का होटल, मस्त है वैसे यार, जौहरिया। और ये है कलागुड बीच के पास, तो आप लोग यहाँ पैकेज से कर सकते हो, सही है रूम वगैरह भी। विकास भाई रेडी टू रॉक ब्रो, चालू, आर यू रेडी? ये क्या था, चलते हैं मचाते हैं फुल। अभी कलंगुट के पास ये सारी मार्केट है, यहाँ पे अगर आप चाहो तो शॉपिंग कर सकते हो। वही सीन ऐसा हुआ कि हम लोग गए थे कलंगुट बीच, बट 10 बजे के बाद ना डीजे बंद हो जाते हैं, वैसे यहाँ भी हो जाते हैं, बट वहाँ ना मतलब क्लब वगैरह थे नहीं। तो हम लोग अभी आए हैं बागा बीच, सेम जहाँ कल आए थे, और ये हम उसकी रोड पर चल रहे हैं। जो हमने इस बार रूम लिया ना, पता है सब वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे है, मतलब ये वाला बीच 3-3.5 किलोमीटर का, वो 1.5 किलोमीटर का, तो बस पास पास हो गए हैं, हम लोग पैदल पैदल ही आ गए हैं। दस बजे के बाद यहाँ पे जैसे सुनसान मातम छा रहा है, मातम। अभी हम लोग बैठे हैं जहाँ हम कल बैठे थे, ये सेम वही बार है जिधर हम लोग कल बैठे हुए थे, और आज बट डीजे बंद है। ये देखा, थोड़ा सा हंस दो। अभी हम लोग थोड़ा यहाँ पे कुछ खाने वाने का ऑर्डर किया, कुछ खाते हैं, भूख लग रही है बहुत तेज। गाइस खा पे के ना इधर ही बहुत टाइम हो गया हम लोग को, तो थक गए कि दिन भर घूमे हम लोग, तो हम लोग सोच रहे हैं कि अभी फ़िलहाल हम लोग जाते हैं रूम पे और करते हैं रेस्ट, कल और घूमेंगे। कल दोबारा हम लोग यहाँ पे आएंगे बागा बीच में 10 बजे, यहाँ डीजे वैसे बंद हो जाते हैं, और क्लब जाने का मतलब अभी है नहीं क्योंकि ऑलमोस्ट 12:30 का टाइम हो चुका है, वहाँ भी बंद हो जाएंगे थोड़ी बहुत देर में। भाई मस्त है, मजा आएगा भाई। इतनी गुदगुदी ना भाई साहब, जिंदगी में कभी नहीं हुई, इतना कभी नहीं आता हूँ, मजा आ गया मतलब ठीक था। 150 में 20 मिनट। भाई फाइनली पहुँच चुके हैं हम लोग रूम में, ऑलमोस्ट 1:30 बजने वाला है, हालत ख़राब है बहुत ज़्यादा। फिलहाल चेंज वेंज करके फ्रेश होके मैं जा रहा हूँ सोने, मुझे बहुत देर मिल रही है। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, एक कमेंट करके बताना कि ब्लॉग कैसा लगा, और आगे भी बहुत सारे ब्लॉग ऐसे आते रहेंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक के लिए गुड नाइट। न्यू निंजा टेक्निक देखो।